हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट अनवांटेड 72। दोस्तों, ये जो अनवांटेड 72 टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस अनवांटेड 72 टैबलेट का रिव्यू करूँगा, किसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या क्या इसके भयंकर साइड इफेक्ट हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो अनवांटेड 72 टैबलेट है, इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अनवांटेड 72 टैबलेट है, ये एक टैबलेट का स्ट्रिप में मिलता है, कीमत है 110 रुपये। और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, तो ये इसका कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो टैबलेट है अनवांटेड 72, इसमें है हमारा लेबनोर गैस्ट्रेल 1.5 mg, तो ये उसका कंपोजिशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका यूज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ पे इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। यानी दोस्तों, अगर आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो तो उस दौरान इसको हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने के 72 घंटा पहले ही लेना है, तभी ये दवा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ किया होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। तो ये इसका यूजेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसके डोज के बारे में कुछ बताना नहीं है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने के बाद जितना जल्दी ले सको उतना अच्छा है, ठीक है। ध्यान रहे, 72 घंटा बाद, यानी 72 घंटा बाद दवा को नहीं लेना है, 72 घंटा से पहले ही लेना है, ठीक है। और दवा खाने के अगर आधा घंटा के अंदर अगर उल्टी हो जाता है तो फिर दूसरा डोज आप ले सकते हो, लेकिन किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद, ठीक है। तो इसके कुछ डोजेज। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स के रूप में आपको क्या क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स ऑफ अनवांटेड 72, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग तक भी रह सकता है। पहला हो गया आपका जो मोस्ट कॉमन है, विथड्रॉल ब्लीडिंग। इसको लेने के बाद आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आपका पूरा मंथली आपका स्पॉटिंग हो सकता है। 3 दोस्तों, आपका इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। एंड 4th, इसके वजह से आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दिक्कत होता है, यानी आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है, इसलिए मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कभी भी इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर आप यूज़ कर रहे हो तो लाइफस्टाइल सही रखिए ताकि आपको फ्यूचर में कंसीव करने में दिक्कत ना हो। लेकिन फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में आपको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ सकता है, इरेगुलर पीरियड्स फेस करना पड़ सकता है। आपको पूछते हैं, मैं एक बार यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार यूज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी सावधानी के बारे में कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन से लेना सेफ है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी को रखना चाहते हो तो गलती से भी ना लें, और अगर रखना नहीं चाहते तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ सावधानी। अब हम बात करते हैं इलेक्टिव मदर कि इलेक्ट्रिशियन में इसको लिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, जो इलेक्टिव मदर सावधानी के साथ ले सकती, कोई असुविधा नहीं होगा। तो कुछ सावधानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि ये जो अनवांटेड 72 है, इसका रिजल्ट कैसा है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा चलने वाला मेडिसिन है हमारे इंडिया में। तो इसका रिजल्ट के बारे में कोई सोचना नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो कि मैनकाइंड फार्मा से बनाती है, तो बहुत इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो कुछ रिव्यू। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।